अगर आप चेयरमैन पद से जीत जाती हैं तो चेयरमैन पद से जीतने के बाद आप क्या करेंगी जनता के? कभी किन्नर डरता है क्या? मेरे पास 3 शस्त्र है, तीनों ऑल इंडिया है। हाँ। आप इतना हल्का ले रहे, यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करें। नहीं बोलेंगे क्या भाई लोग? ये किन्नर समाज में उतरे हैं समाज का भला करने के लिए, क्या आप लोगों को लगता है सही है? अच्छी बात है, करें विकास, करें विकास, अच्छी बात है। आपको क्या लगता है भाई साहब? अच्छी बात है। आपको लगता है कि आप यहाँ पे मऊ जनपद से अपना सीट निकाल लेंगे चेयरमैन? नीच ऐ नीच, नीच नजरों से मुझे देखना दिखाना छोड़ दे, कि तबीयत में तब्दीली आ जाएगी। नगर वासियों तो मेरा है, माँ कसम अगर जीती तो हिंदुस्तान में रवानी आ जाएगी। आपको क्या लगता है चुनाव निकल जाएगा? हाँ निकल जाएगा। आपको क्या लगता है? मुंह मत छुपाइए। निकल जाएगा, निकल जाएगा। आपको क्या लगता निकल है? जाएगा। आप सबको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? निकल जाएगा। आप सबको सबसे क्रिमिनल जगह है गोरखपुर। गोरखपुर बुनियादी जमीन में एक से एक माँ ने गुंडा पैदा की थी, उस जगह से हिजड़े ने अपनी सीट को निकाल दिया। और आप चेयरमैन पद से जीतते हैं तो आप अपने किन्नर समाज के लिए और इन किन्नरों के लिए क्या करेंगे? हम उत्तर प्रदेश के मऊ जिला में है और उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक किन्नर समाज की प्रत्याशी उभरी है चेयरमैन का चुनाव लड़ने के लिए। और ये पोस्टर आप देख सकते हैं कि चेयरमैन का चुनाव लड़ने के लिए एक किन्नर समाज से प्रत्याशी उतरी है लड़ाई में, जिनका नाम सुरेंद्र उर्फ श्वेता है। और ये है, और ये उनकी पूरी टीम है और किन्नरों की टीम है। और आपको बता दें कि ये समाज किन्नरों को किस नज़र से देखता है ये तो आप भली भांति जानते हैं, पर एक किन्नर आखिर चुनावी मैदान में आता है और चेयरमैन का चुनाव लड़ता है आखिर क्यों? ये बात और ये सवाल तो उठता है कि आखिर किन्नर क्यों आता है और इनके मन में क्या है? आखिर क्या ये जो लोग भी सरकार में है या सत्ता में है उनसे कहीं ना कहीं ये नाखुश है या इनके हिसाब से वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको चेयरमैन के चुनाव में आना पड़ रहा है। इसलिए हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर क्यों लगा कि आपको चुनावी मैदान में आना पड़ेगा और क्या सोच के आप चेयरमैन का चुनाव लड़ी? धन्यवाद आपके चैनल का। मेरा नाम सुरेंद्र उर्फ श्वेता है, हाल मुकाम चंद्रभानपुर, मकान नंबर 35/1, तहसील सदर कोतवाली, जनपद मऊ की निवासी हूँ। मैं इसके पहले भी 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, जो BBC लंदन, लखनऊ, दिल्ली, दूरदर्शन TV चैनल पे और प्रतिदिन अखबार में आता था। उस चैनल का और उस BBC लंदन का मैं अपने परिवार के साथ कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूँ। जहाँ तक बात आई यहाँ तक, जिस तरह देखे 1947 में किसी तरह देश आजाद हुआ और 1947 के बाद किंडो ने पहली बार 7 जगह से पर्चा भरा और 7 जगह से अपनी सीट को निकाल दिया। जिस तरह गया, जबलपुर, कटनी, शहडोल, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद, ऐसे ऐसे पूर्वांचल सीटियों से किंडो ने पहली बार पर्चा भरा और पहली बार में 7 जगह को सीट को निकाल दिया। क्या आपको भी लगता है कि आप यहाँ पे मऊ जनपद से अपना सीट निकाल लेंगे चेयरमैन के रूप में? निकाल लूंगी, ऐलान करती हूँ, पक्का है। इस डॉन माफिया मुख्तार को ऐलान करती हूँ। हाँ। जिस तरह इंडिया में पहली बार शबनम मौसी ने रही विधायक शहडोल जिला मध्य प्रदेश में, जिस तरह मेरा गुरु रहा अमरनाथ उर्पाशा देवी, जिसको कहते हैं कि इंडिया का सबसे गुंडा जगह है गोरखपुर, इंडिया की सबसे क्रिमिनल जगह है गोरखपुर, गोरखपुर बुनियादी जमीन में एक से एक माँ ने गुंडा पैदा की थी, उस जगह से हिजड़े ने अपनी सीट को निकाल दिया और जमानत जब्त कर दिया, तो ये मुख्तार डॉन क्या आपको डर नहीं, आपको डर नहीं लगता है कि मऊ की धरती से, जो कि मुख्तार अंसारी का क्षेत्र है, और आप ऐसे चिल्ला के डंके की चोट पे बोल रही हैं कि हमको उनसे डर नहीं है और उनको चुनौतियां दे रही हैं आप? क्या ऐलान कर चुकी हूँ। हाँ। जो उसकी पार्टियां सिंबल देने वाली है, बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, अगर ये जरा भी मुझे टच किया, टॉर्चर किया, सीधे इसके मुखिया को ऐलान करूंगी लोकसभा में। किसको?
किसी यही दोनों पार्टियां जो सिंबल दे के बच्चों को आतंक बना रखी है, हाँ, इसको मुखिया को ऐलान करती हूँ। हाँ, लेकिन वो बात एक अलग पहलू है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आप उनसे डरते नहीं हैं, बोला आपने। क्यों डरूं? आप डरते नहीं हैं? क्यों डरूं? लेकिन बहुत सारे लोग हैं और यही उत्तर प्रदेश की धरती में बहुत सारे लोग शायद उनसे डरते भी हैं। कभी किन्नर डरता है क्या? मेरे पास 3 शस्त्र है, तीनों ऑल इंडिया है। हाँ, आप इतना हल्का ले रहे हैं क्या? नहीं, हम हल्का में नहीं दे रहे हैं। और अगर आपको हम हल्का में लेते या आप हल्के में होती तो चेयरमैन का कहीं ना कहीं अब चुनाव नहीं लड़ती। नहीं नहीं, अब ये बताइए, हाँ, जब वो जाता है सपा से या बीएसपी से, हाँ, तो जिले के टाइगर को हड़का के अपने पैट पे फर्जी असलाह जारी करा लेता है। हाँ, और ये सब लड़ते हैं प्रधानी, जिला पंचायत या छोटे बड़े पदों से एमपीए हो या एमएलए, तो इन्हें के फर्जी शस्त्र चाहिए। और मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से लड़ी हूं तो मुझे शस्त्र नहीं चाहिए, मेरा शस्त्र ऑल इंडिया है। लेकिन अगर आप चेयरमैन पद से जीत जाती हैं तो चेयरमैन पद से जीतने के बाद आप क्या करेंगी जनता के लिए? सबसे पहले इसका सुंदरीकरण करूंगी। हाँ, जिस तरह गोरखपुर को इतिहास तोड़ा अमरनाथ और पासा देवी, उसी के तर्ज पे ये मलताई बाबा की नगरी है। मैं उनका कसम खा के कहती हूँ कि जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय का सपना अधूरा रहा वो पूरा नहीं करूंगी। तो उसे जनता क्या गाली देती है, उससे अधिक मुझे गाली देगी। अच्छा, अगर आप चेयरमैन पद से जीतती हैं तो आप अपने किन्नर समाज के लिए और इन किन्नरों के लिए क्या करेंगी? देखिए, हमारी बिरादरी लालची नहीं होती है। हाँ, बात समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बिरादरी को भिन्न भाव से देखा जाता है। हाँ, ये घिरे हुए नजर से देखते हैं। हाँ, इतने ही बड़े विद्वान हो गए हैं। हाँ, फिर मिलिएगा आपको चैनल पे, ये गिरे हुए नजर से देखते हैं। इन लोगों को किन्नर की परिभाषा नहीं मालूम है, ये नेताओं का कुछ भी बोल देते हैं। हमको भी इसके डान माफिया का जो मुरीद तैया परसद है, इसके भी चेले नाती बोल रहे हैं हिजड़वा। अच्छा, अब हाँ हिजड़वा बोला जा रहा है। हाँ, हिजड़वा। अच्छा, अब वो के खुदे मालूम नहीं थे कि क्या कह रहा है। हाँ, ये नेता गिरे हुए नजर से देखते लेकिन हैं। उन लोगों को मालूम नहीं है कि जिनको ये हिजड़वा बोल रहे हैं, हाँ, ये हिजड़वा क्या कर सकते हैं? कर सकता है, ये तो बस जनता की आशीर्वाद इस बार मुझे पड़ा है। हाँ, और इसको टीका लगने वाला नहीं है। हाँ, जनता यहाँ की नई चेहरा देखती है। हाँ, मेरे बिरादरी के बारे में पूछा, हमारी बिरादरी लालची नहीं होती है। लेकिन आप लोगों को और आपकी बिरादरी को जब किसी के द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हिजड़वा कहा जाता है, तब आप लोगों को कैसा लगता है? बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। क्या अपील करेंगे जो आपको हिजड़वा बोलते हैं और हिजड़वा बोल के संबोधित करते हैं? कहते हैं कि ए नीच, ऐ नीच नीच नजरों से मुझे देखना दिखाना छोड़ दे, कि तबीयत में तब्दीली आ जाएगी, नगर वासियों तो मेरा है, माँ कसम अगर जीती तो हिंदुस्तान में रवानी आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। क्या बात बोले हैं। और बाकी इनकी ये तमाम टीम है और आपका यही टीम आपके चुनाव प्रचार के लिए घूम रहा है और आपके लिए एक एक कीमती वोट मांग रहा है, जो ये टीम है आपके पीछे खड़ा हुआ। वोट तो ये हमारे जजमान हमको खड़ा कराए हैं ना। हाँ, हम जीतेंगे तब भी ये काम करेंगे, हम तो नेता नहीं है। हाँ, कि अभी जीते या ना जीते फॉर्च्यूनर उसको चाहिए। हाँ, हम लोग तो वो कर्तव्य करेंगे, बहुत करेगी तो कान में के देगी। हाँ, जैसे थाली देती है, पैसे देती है, कोई 2000 देता है, कोई 500 देता है, कोई 5000 देता है, ये तो हमारी पुरानी गाथा की परंपरा है। मगर जनता इतना समझदार हो गई है कि वो भी तो कहेगी कि आई दीदी हमार कमावा करावा तब्बे बधाइया दे, तब्बे बधाइया दे। लेकिन इन लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि जब ये फील्ड में और अपने क्षेत्र में घूमते हैं तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है। आप भी आ जाइए, आप हटिए मत। अच्छा, आप लोग चुनाव प्रचार के लिए घूमती हैं? जी। तो चुनाव प्रचार करने वक्त क्या लगता है आप लोगों का, ये चेयरमैन पद से ये खड़ी हुई हैं तो निकल जाएगा आप लोगों का सीट? सबसे पहले सबको नमस्कार। हाँ, मैं मनीषा वर्मा जी। हम लोग जाते हैं जब बधाई के लिए तो एक अलग जुनून रहता है आप शरीर में कि अगला मेरा गुरु जो है अब चेयरमैन बनने वाला है। और गाँव में जैसे जाते हैं हम लोग तो गाँव में तो कोई नेता घूमता नहीं है। हाँ, वो जब चुनाव आता है तभी घूमता है, तो
कहते अरे जो ना कि आयल नलोन चेयरमैन साहब लोग घूमे खाते अच्छा हमके एक पहले के घूमत ला तो कहला कहता ना एक पहले तो आपे लोग घूमत नहीं है तो हम कहीं समस्या के सुने तो कहीं आपे लोग सुनो तो जनता में एक अलग उत्साह है कि अब किन्नर हम लोग के लिए उतरे हैं क्योंकि मऊ में बहुत धाधलीपना बहुत ही गुंडागर्दी जिसको चाह मार दिया जिसको चाह फेंकवा दिया जिसके बेटों को चाह प्यार में लिखवा दिया हाँ। तो तरह तरह से बहुत ही समस्या मतलब जनता त्रस्त है आपको हाँ। क्या लगता है चुनाव निकल जाएगा हाँ निकल जाएगा आपको क्या लगता है मुंह मत छुपाइए निकल जाएगा आपको क्या लगता निकल है जाएगा। आप सबको क्या लगता है आपको क्या लगता निकल है जाएगा। आप सबको लगता है कि ये चुनाव जो कि चेयरमैन से जो कि आप इनको अपना गुरु मानती हैं और ये लड़ रहे हैं जिनका नाम श्वेता है निकल जाएगा जी सब लोगों को लगता है कि निकल जाएगा हम लोग के दिमाग से भी लगता है जनता के दिमाग से भी लगता है कि अब की तो क्या लगता है कि मऊ की जनता अब चाहती है कि हमारे लिए किन्नर भी आगे आगे खड़े हो। पहले हम लोग की गाड़ी जाती थी तो एक लोग कहता था अरे किन्नर की गाड़ी जा रहे आज ये कहता है कि अब चेयरमैन साहब की गाड़ी जा रही है चेयरमैन साहब की गाड़ी जा रही है तो उस नजर से लगता है कि अब हम लोग की गुरु उस लायक हो चुके। और आपको क्या लगता है आप आ जाइए आपको क्या लगता है कि जिन किन्नरों को भिन्न भाव से देखा जाता है और वो किन्नर अपने जनता के लिए और इन जनता के लिए जो जनता भिन्न भाव से देखते हैं उनके अच्छाई के लिए उतरी है उनके कामों का उनका काम करने के लिए आपको क्या लगता है आप अच्छे काम कर देंगी। जी जी मैं दवा की हूँ मैं ऐलान की हूँ मैं जजमान के बच्चों को नाची हूँ उनके शादियों के नाची हूँ मुझ पर पूरा विश्वास है मैं उनका हर मकसद पूरा करूंगी हाँ। और ऐलान की हूँ कि जिस तरह नेताओं का स्वागत होता है गालियों से उससे अधिक हम लोग का होगा जब मैं कार्य नहीं करूंगी तब पर आप कार्य करेंगे। जी जी ऐलान है मैंने तो कह दिया कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय के अधूरे सपनों को पूरा हाँ। करूंगी इसलिए जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। और बाकी यहाँ पे कुछ लोग हैं इनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करें नहीं बोलेंगे क्या भाई लोग ये किन्नर समाज में उतरे हैं समाज का भला करने के लिए क्या आप लोगों को लगता है सही है अच्छी बात है करें विकास अच्छी बात है आपको क्या लगता है भाई साहब अच्छी बात है और कर पाएंगे और ये लोग विकास कर पाएंगे लोगों का रिस्पांस मिल रहा है इन लोगों को कर पाएंगे तो जो लोग इनको भिन्न भाव से देखते हैं शायद वो लोग कहीं नहीं कर पाते हैं तो क्या ये लोग कर पाएंगे। जी ये करेंगे देखिए अगर 100 लोग में से 20 लोग नहीं कर पाए और 80 लोग करें तो उसे क्या ही फर्क पड़ता है क्या बात सही बोले। और क्या लगता है ये समाज में एक अलग पहल है अलग सा सही है या गलत सही बात है बिल्कुल सही बात है सही बात है सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए और ये जनता जनार्दन है और सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए ये लोग बोलते हैं। और बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा किन्नरों के साथ और ये समझिए कि एक नया बात है और ये कोई मामूली बात नहीं है कि किन्नर समाज में उतरा है चुनाव लड़ने के लिए तो आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा जरूर। जय हिंद।